अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। आज सबसे पहले तो मैं सबको बहुत मुबारकबाद दूंगी, जो जो अम्मियाँ बनने वाली हैं अल्लाह में उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो ट्राई कर रहे हैं अल्लाह में उनको साहिब औलाद करे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो टॉपिक इज़ अबाउट कि हम लोगों ने बच्चों की पैदा होने से लेके जब बड़े होते हैं 1-2 सालों तक कौन सी केयर करनी है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत आम सी बातें हैं लेकिन पता नहीं होती हैं। मुझे भी नहीं पता थी, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना, बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा किस लिए रो रहा है, बच्चे को भूख लगी इसलिए रो रहा है, बच्चे के किधर तकलीफ़ है वो किस लिए रो रहा है। तो मेरी अम्मा मुझे कहती थी इसको ये हो रहा है, मैं कहती थी अम्मा आपको कैसे पता चलता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है? मैं कहती देख लो तेरी माँ वहाँ मैं। अच्छा जी, फिर अम्मा ने फिर रोई जाना मेरी बेटी, फिर अम्मी ने इसको करवट देनी, तो मुझे मैंने फिर पूछना अम्मा से कि मम्मा आपको कैसे पता चल रहा था कि इसने करवट लेनी है? अम्मा फिर कहती थी देख लो पोते तेरी माँ माँ में। वाकई माँ माँ ही होती है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करी जो कि मुझे अपनी अम्मी से, जो कि मुझे अपनी सास से, सबने मिक्सचर सबका मैंने इकट्ठा किया ताकि आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। मुझे पता है बहुत सी क्या एक्सपीरियंस भी मुझे देख रही होंगी जिनके बच्चे हैं, अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप लोग लाजमी कमेंट्स में करिएगा ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो, और जो जो लड़कियां देख रही हैं, जो जो लड़कियां सर्च कर रही हैं कि अपने बच्चों के लिए, वो उनको थोड़े से कम्फर्ट हम दे सकें, ठीक है? सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाता है कि फीडर, ठीक है? फीडर, और उसके बाद फीडर को साफ़ करना। हम लोग फीडर ले लेते हैं लेकिन फीडर को साफ़ करने वाला लेना भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने नहीं लिया था। हम लोग फिंगर्स से कर लेते हैं, मतलब अंदर डाल के, स्पंज को अंदर डाल के किस तरह भी हमने करने हैं वो करते हैं, लेकिन फीडर को साफ़ करने वाला लेना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का मैंने, मेरे पास है फीडर को साफ़ करने वाला, और इसके साथ ये भी हमने लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये वाली चीज़ ले लेते हैं और इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोगों ने निप्पल को साफ़ करने वाला भी साथ लेना है, उसमें बहुत चिकनाहट होती है, वो उस तरह नहीं साफ़ होती। बेशक हम फीडर्स को बॉयल कर लें, वो साफ़ नहीं होती है, ठीक है? हम लोग ने क्या करना है कि इसको मद्देनज़र रखते हुए लेना है। सबसे पहले चीज़ तो ये हो गई, उसके बाद फीडर। मैंने फीडर महंगे भी लिए, मैंने फीडर सस्ते भी लिए। ज़रूरी नहीं है कि महंगा फीडर अच्छा ही हो और सस्ता फीडर बुरा हो। मैंने सस्ते जो फीडर लिए बहुत अच्छे निकले, जो महंगे लिए थे तो वो लीक होते थे। लीक इसलिए होते थे कि उनकी, जब मैं ये फीडर खोलती थी, ठीक है, उनके यहाँ पे साथ निप्पल अटैच नहीं होता था, ठीक है? ये देखो, ये इसके साथ फिट एवियन का फीडर है, ये इसके साथ ये चीज़ ना, इसका निप्पल अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से दूध लीक नहीं होता। जो महंगे वाले फीडर लिए थे उसके साथ निप्पल कैप के साथ अटैच नहीं होता था, जब शेक करना कुछ डाल के या कोई सिरप वगैरह डाल के सारा ढक्कन भर जाता था। इसलिए फीडर लेने से पहले ये लाजमी देखिएगा निप्पल ढक्कन के साथ अटैच होता हो ताकि लीक ना हो। लीक जो फीडर होगा वो ट्रैवल में बहुत मुश्किल होगी, रात को वो बहुत मुश्किल होगा, और कैरी करना बहुत मुश्किल होगी, हर होगा गीला 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 गीला, हर का गंद वगैरह पड़ता रहता है, ठीक है? सबसे पहले तो ये चीज़ होगी, निप्पल को साफ़ करने वाला भी आपने लेना है, फीडर का लेने वक्त ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, उसके बाद बच्चा रोता है 3 वजह से, या तो बच्चे को भूख लगी होती है, या तो बच्चे का पैंपर गीला होता है, या तो बच्चे के कान में दर्द होती है, ठीक है, या तो बच्चे के पेट में दर्द होती है, 4 वजह से रोता है, ठीक है? उसके लिए हमने क्या करना है, मुझे भी नहीं पता था कि बच्चा क्यों रो रहा है, गैस रिलीज़ करता रहता है, बच्चों को बहुत गैस होती है, क्योंकि बस होती है, हर बच्चे को बहुत गैस होती है। मेरी बेटी को बहुत गैस थी, वो हर कोई री 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 लगाई रखती थी। तो फिर मैंने कॉलिक ड्रॉप्स लिए और ड्राई वाटर लिया। कॉलिक ड्रॉप्स आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी, आप लोगों ने 80 रुपीज़ वाले लेने, 80 रुपीज़ वाले ले, 800 वाले भी मिलते हैं, 800 वाले नहीं, ये 80 रुपीज़ वाले हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है, हर कॉलिक ड्रॉप्स को पिलाने का तरीका अलग होता है, वो यहाँ पे लिखा होता है। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि आपने दिन में 2 दफ़ा 15-15 ड्रॉप्स पिलाने हैं अपने बच्चे को, ठीक है? मैं एक सुबह पिला देती हूँ और एक रात को पिला देती हूँ, ताकि उसके पेट में गैस ना हो, रिलैक्स होकर सो सके और अपना खा पी सके, खेल सके। जिस बच्चे के पेट दर्द हो रहा होता है वो बहुत शोर मचाता है और बहुत रोता है फजूल में, ताकि और पता भी नहीं चल रहा होता कि इसको वजह क्या, क्योंकि बच्चा बता तो सकता नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है ग्राई वाटर, ठीक है? इसकी इस तरह की बॉटल आती है, इसको यूं खोलना होता है, बस ऊपर से इसका कवर खोलना होता है, ये ट्रांसपेरेंट अंदर बॉटल है, और इसको यूं खोल के इसका हाफ कैप डेली बच्चे को पिलाना है आपने। बेशक आप पानी में मिक्स करके पिला दें, बेशक आप दूध में मिक्स करके पिला दें, ठीक है, ये आपने लाजमी पिलाना है। हाफ टी स्पून पिला दें या ये वाला हाफ कैप पिला दें, इससे क्या होता है हाजमा बच्चे का अच्छा हो जाता है, बच्चे का पेट दर्द नहीं करता, जो मोशंस वगैरह बच्चे को लगे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बस बच्चा फ्रेश रहता है। मैं ये 2 चीज़ें तो लाजमी अपने पास रखती हूँ, दिन में 15-15 कतरे ये, और रात को सोने से पहले मैं ये पिला दी ताकि वो सुकून से सो सके,
ठीक है ये चीज़ें हो गई। अच्छा जी अब बारी आ जाती है पेनाडोल की। पेनाडोल भी बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा था बच्चे थक जाते हैं, देखो जो बच्चे ने क्रॉल करना शुरू करता है वो हरकत क्रॉल 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 क्रॉल, जिसकी वजह से उसकी टांगें भी थक जाती है। कोशिश किया अगर रात को हल्की सी टांगें दबा दें, शहजादों की जब टांगें दब जाती हैं तो वो थोड़े से अच्छी तरह सो जाते हैं। अच्छा जी और फिर मुझे डॉक्टर, ये सब जो चीज़ें हैं ना मुझे डॉक्टर्स ने बताई हुई हैं, जो मेडिसिन वगैरह बताऊँगी आप लोग फिर भी अपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे ये सारी डॉक्टर ने बताई, मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि हर वीक बाद ये हाफ ड्रॉपर, इतना सा ड्रॉपर आपने ईमान को पिला देना, ताकि जो उसकी थकावट होगी, कहीं दर्द हो रही होगी, बच्चा गिर जाता है, कुछ हो जाता है तो बच्चा दर्द का तो बता नहीं सकता, तो इतना सा ड्रॉपर उसको पिला दिया गया ताकि ज़रा उसको रिलैक्सेशन हो जाए। हफ्ते बाद या दो हफ्ते बाद इतनी सी आपने पिला देनी है, ठीक है? अच्छा जी उसके बाद बारी आ जाती है कि जो बच्चे नैपीज़ यूज़ करते हैं, नैपीज़ तो यूज़ करते ही करते हैं सारे बच्चे, तो रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रैशेस की सबसे जो बेस्ट क्रीम है, पहले तो जब हम छोटे होते थे तो बाहर से मिलती होती थी, अम्मी ने खाला वगैरह से मंगवाती, लेकिन अब ये पाकिस्तान में ईजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन देख लीजिए, अलफत्ता में देख लीजिए, किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में, ये है सूडो क्रीम। अब सूडो क्रीम रैशेस कब तक होते हैं बच्चों के? 6 महीने या 5 महीने तक तो डेली लगानी है आप लोगों ने, ठीक है? अब मेरी बेटी 1 साल की होगी, अब मैं नहीं लगाती, हफ्ते बाद एक दिन लगा लेती हूँ, बहुत है। 5 से 6 महीने तक तो डेली लगानी पड़ती है, रैशेस हो जाते हैं अगर नहीं लगाओ, और 6 महीने बाद ना भी लगाओ तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक दिन मैं सूडो क्रीम लगाती हूँ और दूसरे दिन मैं पेट्रोलियम जेली लगाती हूँ। एक चीज़ रेगुलर इस्तेमाल नहीं करनी, वो स्किन को आदत हो जाती है बदल बदल के। एक दिन हाँ जी, तो एक दिन ये लगा लो, दो दिन ये लगा लो, या एक दिन ये लगा लो तो दो दिन ये लगा लो, इस तरह मिक्स करके लगाते रहिएगा, ताकि एक चीज़ की स्किन को आदत भी नहीं होती है। और ये सबसे बेस्ट रैश क्रीम है, बेस्ट है, इससे रैशेस नहीं होते हैं। आप लोग लगा के देखिए, इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी होती है, ये देखिएगा, ये ऑलमोस्ट वाइट कलर की होती है, अंदर से ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, ठीक है? ये चीज़ें हो गई, उसके बाद बारी आ जाती है। अच्छा जी जो अब दूध की बारी आ रही थी, दूध जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वो मैजी का किया था, लेकिन मेरी बेटी को सूट नहीं किया, उल्टियाँ आ रही थी। अगर सूट दूध ना करे तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कहें कि सूट नहीं करा, चेंज कर दो। तो फिर मैंने ये लैक्टोजन पे स्विच कर लिया था। अब बारी आ जाती है कि दूध इधर लिखा होता है 1 to 3 ईयर्स, ठीक है? और जो इससे बड़ा बच्चा हो जाएगा वैसे ज़्यादा वाला दूध पिएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा, चेंज होता रहता है हर साल के बाद, हमने चेंज करना होता है। जब ईमान पैदा हुई ना तो मैं अम्मी के घर थी अपने, तो वहाँ पे हेल्पर आई ईमान से मिलने के लिए, ना कहती बाजी मैं भी अपने मुंडे को यही दूध पिलाती हूँ, 2 साल का हो गया। मैंने कहा 2 साल का हो गया तुम यही दूध पिलाती हो, तुम्हें इससे बड़ा वाला लेना है 1 से 2 साल। कहते बदतमीज दुकानदार, तो नहीं पता मेरा मुंडा बड़ा हो गया वहाँ। मैंने कहा उसको बेचारे को क्या पता, कहते मैं 1 साल से उससे ले रही हूँ, उसको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, वो मुझे अगला पैकेट दे। मैंने कहा उनको क्या पता, उनको तो तुमने जो कहना है उन्होंने तुम्हें वही देना है, इसलिए कुछ को नहीं पता होता। चले अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो है कॉटन बड्स, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे का नाक वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि हम किसी और चीज़ से कर नहीं सकते। पंप बच्चा बहुत छोटा होता है, तो मैं प्रेफर यही करूँगी कि बिल्कुल बारीक वाली ये मिलती होती है बच्चों के नाक और कान साफ़ करने के लिए, ये आप लोगों ने लाजमी रखनी है, ठीक है? अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं, बच्चों को मोशंस लग जाते हैं, बच्चे सारा दिन थूक निकलती रहती है उनके मुँह से, जो चीज़ होती है मुँह में डालते हैं। क्यों डालते हैं? जब 3 से 4 या 5 महीने बाद बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? बच्चे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल तब होते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने Bayer 21 बच्चों को देनी ही देनी है। Bayer 21 से क्या होता है कि बच्चों के दांत आसानी से निकल जाते हैं, बच्चों को कोई मोशंस नहीं लगते, कोई बुखार नहीं होता, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता, कोई थूक वगैरह नहीं निकलती, बच्चे रिलैक्स होकर दांत निकाल लेते हैं। ये आपको होम्योपैथी की दुकान से मिलेगी, ठीक है? ये है Bayer 21 सीरप, ठीक है? सिरप तब देते हैं जब बच्चा दांत निकालना शुरू करता है, ठीक है? सुबह दोपहर शाम हाफ हाफ टीस्पून ये दिए थे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था, जो मैं बता रही हूँ मुझे डॉक्टर ने बताया था, आप लोग फिर भी अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाफ हाफ टीस्पून ये देना था। जब ईमान ने 3 से 4 दांत निकाल लिए थे, उसके बाद स्विच कर दिया था डॉक्टर ने मुझे Bayer 21 जर्मनी की, ये है Bayer 21 जर्मनी की, ठीक है? इसकी इस तरह की वाइट कलर की टैबलेट्स होती हैं, सुबह दोपहर शाम, ठीक है? 3-3 ये देखें जी, इस तरह 3-3 खानी होती है हम लोगों ने, नहीं बच्चों ने, ठीक है? इससे क्या होता है कि बच्चे बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती, और रिलैक्स होकर बच्चे दांत निकाल लेते हैं और अपना अच्छा खाते हैं, कोई मोशन नहीं लगते हैं। मैंने अपनी बेटी को दिए, मेरी बेटी ने माशाल्लाह बहुत रिलैक्स होकर दांत निकाले, कोई उसको मसला नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं लगे।
अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है कैटल की। कैटल बहुत ज़रूरी है। जो लड़की कहती नहीं हमने कैटल नहीं लेते, क्या करने, चूल्हे पे जाओ पानी गर्म करके बच्चे को दूध बना के दे दो, तो पता है क्या है, कैटल ले लो, बहुत काम आएगी, क्योंकि बच्चा 3 महीने तक तो हल्का सा नीम गर्म दूध पिएगा, ठीक है। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाएगा, नीम गर्म दूध कहते हैं मैंने नहीं पीना, मुझे थोड़ा सा ठंडा दूध चाहिए, तो आप लोगों ने कैटल लेनी ही लेनी है। ये मैंने फिलिप्स की कैटल ली है, अब ये मेरे कावों के लिए इस्तेमाल होती है, जब मैंने रात को कावा पीना होता है, उसके बाद बच्चे के बाद वेट लूज तो करना होता है 3 महीने के बाद, ठीक है 3 महीने बच्चे यूज़ कर ले, उसके बाद बच्चे की अम्मी यूज़ कर ले, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा। अब स्पेशल नीचे जाके चूल्हे पर पानी गर्म करना, कावा बनाना या जो भी करना, ठीक है मुश्किल होता है। इसके अंदर पानी डालो, साथ मैंने सौंफ रखी हुई है, इलायची रखी हुई है, सौंफ डाली, इलायची डाली, उसके बाद पानी डाला, बॉयल आया, ठीक है, लीमू रखा हुआ है, लीमू हल्का सा स्क्वीज़ किया, ग्लास में डाल के पी लिया, बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है। इस तरह बच्चा बंदा ना सुस्त नहीं होता, बंदे को पता होता है कैटल पड़ी हुई है कमरे में, फटाफट कावा बनेगा और पिया जाएगा, इस तरह वेट लूज भी जल्दी हो जाता है और मुश्किल नहीं होती करने में, ठीक है। अब क्या रह गया, हाँ एक और बड़ा ज़रूरी बात कि जब दूध देना है, ठीक है, अब समझ नहीं लगती दूध कितना डालें और पानी कितना डालें, ठीक है, इसके पीछे लिखा हुआ है, इसके पीछे पता नहीं किस तरह का लिखा हुआ है, लीटर में, मिलीलीटर में, पैमानों की तादाद, फॉर्मूला, दूसरी अदर, जो भी लिखा हुआ है, समझ नहीं लगती है, ठीक है। जब ईमान हुई थी मुझे बिल्कुल नहीं समझ, मैं बीच से पढ़ रही थी तो मुझे समझ लग रही थी मम्मा कितना लिखे हैं, 7 ml, इतना इतना इतना। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो ये है ना, 1 ounce है ना, तो हम लोगों ने 1 scoop डाल देनी, 2 ounce से 2 डाल देनी, 3 ounce से 3 डाल देनी, 4 ounce से 4 डाल देनी है, और अच्छी तरह शेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कम डालेंगे दूध और ज़्यादा डालेंगे, बच्चा डॉक्टर से मैंने पूछा था अगर मैं कभी ज़्यादा डाल दूँ या कभी कम डाल दूँ, तो डॉक्टर ने कहा था आपके बच्चे की तबीयत मोस्ट प्रॉब्ली ख़राब हो सकती है, मतलब पेट ख़राब हो सकता है या कुछ और मसला हो सकता है, इसीलिए 1 ounce हो 1 spoon, 2 हो 2 spoon, 3 हो 3 spoons, ठीक है। ये मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा मैं आप लोग को भी बता दूँ, जिसको नहीं पता उनको भी शायद पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है जब हमने हॉस्पिटल से बच्चों को लेने जाना है, मैंने क्या किया था, मैंने ना लाल भी रंग के कपड़े ले लिए, पर्पल भी ले लिए, पिंक भी ले लिए, इधर से हर तरह के मैंने कपड़े ले लिए थे, लेकिन वो सूट नहीं करते बच्चों को। बच्चा जब पैदा होता है सिर्फ उस पर वाइट कलर का कपड़ा सूट करता है। मेरी अम्मा मुझे कहती रही मरियम पो तो वाइट ले ला, वाइट ले ला, मैंने कहा नहीं नहीं मैंने तो ये लेना है, मैंने तो वो लेना है, ट्राउजर शर्ट लेनी है, यार बेचारा ना वो मासूम सा छोटा सा मुर्गी का बच्चा होता है इतना सा, तो उसके ऊपर ना ट्राउजर शर्ट सूट करती हैं, ना डिफरेंट कलर्स के कपड़े सूट करते हैं, वाइट टोपी हो, वाइट रोम्पर हो, ट्राउजर शर्ट भी मतलब सिर्फ रोम्पर्स लो, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतने कपड़े, ट्राउजर अलग, शर्ट अलग, और बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करता है, एक ही पूरा रोम्पर हो ना तो बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है। रोम्पर लो, वाइट लो, टोपी लो, वाइट लो, सॉक्स लो, वाइट लो, टॉवल्स लो, वाइट लो, और एक शॉल लेनी बहुत ज़रूरी है, क्रोशिया की शॉल ले लो जो अच्छी लगे आप लोग को, इस तरह शॉल जिसमें बच्चे को लपेट सके और प्रेजेंटेबल लगे हो, दाग लगा हुआ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इस तरह के कपड़ों में बच्चा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ था ना, वो क्या कहते होते हैं, अम्मियाँ क्या कहती होती, कसमैला सा लगता है बच्चा काले पीले कपड़ों में, तो वाइट बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ग्रेसफुल सा बच्चा लगता है, प्रेजेंटेबल बच्चा लगता है, तो इसलिए। हाँ जी जनाब, अब मैं सबसे बड़ा मसला हल करने वाली हूँ, जिनके बच्चे सारी सारी रात नहीं सोते, जो पैदा होते हैं न्यू बॉर्न के लिए, ठीक है, बाकी बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न। जब ईमान हुई थी वो सारा दिन सोती ऐसे थी जिस तरह उसको कोई होश नहीं है, ढोल बजा लो, पार्टी पॉपर फाड़ लो, जो मर्जी कर लो, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, उसे कोई होश नहीं, जनाब साहब ने उसने आंखें बंद के सो ही रहने, और जैसे 11 बजने और 12 बजने उसका बाजा बजना शुरू, और टैं टैं, और जनाब साहब सारी रात में आंखें बंद करके उसको यूं यूं छालती रहो, छालती रहना, उसे चुप रहना, जैसे उछालना बंद करना ही मान जाना हमसे, फिर रोना शुरू कर देना, कभी कभी तो ऐसा होता था आंखें बंद होती लेके घूम रही होती, जाके सर मेरा दीवार में लगता होता, फिर मुझे होश आती, नहीं मरियम जागो जागो, माँ बन गई हो तुम, अब जिम्मेदारी उठाओ अपनी। अच्छा, उसके बाद जब मैं फिर डॉक्टर के पास गई, मैंने ना उसको अपनी दुखी दास्तान सुनाई, मैंने कहा डॉक्टर ये तो सोती नहीं है, तो आगे से ना हंसना शुरू हो गया, कहते आप मेरे पास पहले क्यों नहीं, मैंने कहा 40 दिन इसने मुझे नचा दिया, तो मैं क्या करूँ, कि क्योंकि नींद सबको प्यारी होती है, कोई नहीं जागता आपके बच्चों के लिए, आपको खुद ही जागना पड़ता। फिर 6 बजे मैंने अपनी अम्मी को पकड़ा, मैंने कहा फड़ लो हूँ मैं सोन लगे हूँ मैनू न छेड़े कोई, तो रात की नींद में अपने बच्चों को खुद ही संभालना होता है। तो फिर डॉक्टर ने मुझे क्या कहा कि बताया कि बच्चों को हो जाता है जेट लैग। जेट लैग क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जब उसको किसी किसी बच्चे को जेट लैग होता है कि दिन को सोते हैं और रात को जागते हैं,
तो कहता फिर मैं आपको एक दवाई लिख के देता हूँ, होम्योपैथिक ही है, ड्रॉप्स हैं वो आपने पिलाने हैं 1 घंटा पहले, मतलब कि आपने रूटीन जब सेट करनी है जितने मर्जी देर की रूटीन सेट कर लो, जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 10 बजे सो जाए तो आपने 9 बजे वो ड्रॉप्स पिला देने हैं, आप चाहते हैं 11 बजे सो जाए तो 10 बजे घंटा पहले वो आपने ड्रॉप्स पिला देने, वो है ये ओरामेल, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाते हैं और लाहौर इस्लामाबाद कराची से भी इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ओरामेल इसके अंदर से इस तरह का ये है, थोड़ी हालत ख़राब हुई हुई है, ये इस तरह की निकलती है अंदर से, ठीक है। ये है ओरामेल, या होम्योपैथिक दवाई है ये, उसको इसको जेट लैग ख़त्म करती है। इस जी इसके ऊपर लिखा हुआ है जो 1 साल से नीचे बच्चे हैं 5 ड्रॉप्स, जो 1 साल और 3 साल के दरमियान में 7 ड्रॉप्स, 3 इयर्स से ऊपर है 10 ड्रॉप्स, जो बड़े हैं वो भी ख़त्म कर सकते हैं 30 ड्रॉप्स लेके, ठीक है। ये होम्योपैथिक दवाई है, डॉक्टर ने कहा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपने 6 दिन से 5 दिन आपने लगातार पिलानी है, उसके बाद आपने छोड़ देना, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वाकई ही मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मैंने 6 दिन पिलाई है उसको और मेरी इसकी रूटीन सेट हो गई और मुझे सुकून आ गया, रात को सोने लग गई और मैं भी फिर रात को सोने लग गई। तो ये जिन जिन के बच्चे तंग करते हैं, जिन लोगों को जेट लैग हुआ हुआ है, वो लाजमी ये ले सकते हैं। इसको ओरामेल कहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, एक दफ़ा फिर देख लें, या आप गूगल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है बैग की बारी, हम लोगों ने बैग किस तरह का लेना है। एक तो आप बड़ा वाला बैग ले लें वो आप लोगों की मर्जी है, एक आप लोगों ने थोड़ा सा छोटा लेना है जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा हो, जगह ज़्यादा हो, चीज़ें ज़्यादा रखी जाए, वो है इस तरह का बैग। ये आपको हर जगह से बैग मिल जाएगा, इसके अंदर इतने सेक्शंस हैं, फीडर रखने के लिए अलग जगह है, ये आगे पॉकेट्स हैं, ये साइड पे पॉकेट्स हैं, ज़्यादा पॉकेट्स वाला लें आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बैग के अंदर हमेशा आप लोगों ने शीट रखनी ही रखनी है, जिसको कहते हैं चेंजिंग शीट, ठीक है। बेशक आप छोटी सी ले लें चेंजिंग शीट, आप लोगों ने चेंजिंग शीट रखनी ही रखनी है, इतनी छोटी सी ले लें आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। उसके बाद वैक्सीनेशन की बारी आ जाती है, मुझे नहीं पता था वैक्सीनेशन जल्दी नहीं करवा सकते, लेट थोड़ा टाइम हो जाए तो ठीक होता है, लेकिन जिस टाइम पे डॉक्टर ने वैक्सीनेशन लिख के दी हुई है हम उसी टाइम पे करवानी है, या उससे 10-15 दिन लेट हो सकते हैं, हम जल्दी नहीं करवा सकते, ठीक है जी। और एक और टिप देनी चाहूँगी, जब ईमान पैदा हुई ना तो मुझे होता था कि रोए ना, मेरी बेटी है रोए ना, मेरी अम्मी ने मुझे मना करना, बहुत रोन दे कोई गल नहीं, फेफड़े मजबूत होते हैं रोने दो, मैंने कहा नहीं नहीं रोना नहीं है। फिर मेरी अम्मी ने ये भी मुझे मना करना कि ना इसको बार बार दूध ना पिलाओ, मतलब जब उसे ई करनी मैंने उसके मुँह में दूध डाल देना, जब उसे रोना फिर मैंने उसे दूध पिला देना। तो वो मैं अभी तक भुगत रही हूँ, क्योंकि पहला बच्चा होता है लाड लाड में इंसान कहते हैं नहीं नहीं रोए ना, कोई छेड़े ना, किसी ने नसीहत भी करता है ना कोई तो कहते हैं कि क्यों, हमारी बच्चे हम बच्चे हैं, हमें पता है हम क्यों रुलाएं हम क्यों रुलाएं, तो बंदा इस तरह करके टाल देता होता है, अपनी अम्मियों की बात भी इस तरह टाल देता है। वो मैं आज तक भुगत रही हूँ, अब मेरी बेटी रात को उसको दूध पीने की आदत है, अभी तक वो 1 साल की होगी और बार बार उठती है, 4 से 5 बार, अरसा ही हो गया मेरी नींद पूरी हुए। इसलिए मैं नई माओ जो हैं उनको यही सजेशन दूंगी कि बच्चे को थोड़ा सा रोने दिया करें, तक कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा डाला करें उनके दूध के दरमियान में, जैसे ही रोए फौरन ही उनको दूध ना पिला दे, जैसे ही करवट चेंज कर दी, रोया एक साइड पर बैठा लेटा हो तो दूसरी साइड पर लटा दिया बच्चे को, इस तरह करें, इस तरह ज़्यादा सही रहेंगे, आप भी आपको भी मुश्किल नहीं होगी, आप भी आसान रहेंगे, रात को सुकून से सो सकेंगे, मेरी तरह रातें नहीं जागेंगे। उसको आदत है अभिमान को कि हर घंटे बाद उसने उठने और दूध पीने, फिर हर घंटे बाद मेरी आँख खुलती है मैं उसे दूध पिलाती हूँ फिर सोती हूँ, अब मुझे वही फिर अम्मी की बातें याद आ रही होती है, पुत होने दूध ना पिला बथेरा पिलाता। तो इसलिए आप लोग भी इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। बस इतनी सी बातें थी, अब जिन जिन्होंने मेरी बातों को नोट कर लिया बहुत शुक्रिया, और मेरे से एक्सपीरियंस लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, अगर वो भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें और कुछ बताना चाहें कि ये बातें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन इन बातों का भी ख्याल रखना है। और एक और बात, बच्चे का कावा हरकत बना के रखिएगा, सौंफ इलायची और मोटी इलायची के अंदर से खोल के 2 दाने, उसको 1 मिनट पकाएं और डेली का इतना बना लें, और डेली 2-2 टेबलस्पून पिलाते रहें, उससे भी बच्चे का पेट साफ़ रहता है और पेट ख़राब नहीं होता, पेट में गैस नहीं होती, पेट में दर्द नहीं होता, और जब पेट में दर्द नहीं होगा, बच्चे का पेट भरा होगा, पैंपर चेंज होगा, तो बच्चा रोएगा भी नहीं, ना आप तंग होंगे ना बच्चा तंग होगा, ठीक है जी। ओके जी, सब अपनी दवाओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, अगले लाने के बाद।